ओके जी, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं. व्हाट आर लोब्स? लोब्स ऑफ टीथ. अच्छा, लोब्स ऑफ टीथ में हम जो मेनली पढ़ेंगे वो आपकी जो परमानेंट टीथ होंगे ना, उनको हम पढ़ेंगे. परमानेंट टीथ को पढ़ेंगे. ठीक है, परमानेंट टीथ में हम डिवाइड कर देंगे इसको एंटीरियर टीथ, जिसमें आपके सेंटेंसाइजर, लेटेंसाइजर और आपका कैनाइन आ जाता है, और आपके पोस्टीरियर टीथ जिसमें प्रीमोलर्स और मोलर्स आ जाते हैं. अच्छा, तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो इंटीरियर टीथ के है, तो इसके टोटल 4 लोब्स होते हैं. इंटीरियर टीथ के कितने लोब्स होते हैं? 4 लोब्स होते हैं, और उसमें से 3 इसके होते हैं बकल, 3 बकल होते हैं, और 1 इसका होता है लिंगुअल. एक इसमें लिंगुअल लोब होता है और 3 बकल होते हैं. अच्छा, ये तो हमने वैसे कहा तो नहीं, लेकिन लोब की डेफिनेशन क्या है? तो लोब जो इसको हम एनाटोमिकल डिवीजन होती है, जो ग्रूव्स करती हैं टूथ में, ठीक है ना. जब ग्रूव्स किसी भी टूथ के पार्ट को एक 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 उसको डिवाइड करते हैं और एक सेपरेट एंटिटी बना दें, स्ट्रक्चर बना दें, उसको हम लोग कहते हैं. फॉर एग्जांपल, ये एक टूथ है ना, तो उसमें ये एक ग्रूव जा रही है, एक लाइन सी जा रही है, नाली सी, तो ये इसको डिवाइड कर रही है ऐसे. और इधर से भी यहाँ से देखें तो ये एक लोब बन गया, ठीक है ना. इसको हम कहते हैं लोब्स. तो लोब्स को पढ़ना लाजमी है टूथ मॉर्फो में, बिकॉज ये कि डेंटल लाइफ में ये हमारे बहुत काम आती हैं. जब हम फिलिंग करते हैं, कॉन्टोर्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उनमें हेल्प करता है. अच्छा जी, तो 4 लोब्स हमने देखा कि एंटीरियर टीथ में होते हैं, उसमें से 3 बकल होते हैं और एक लिंगुअल होता है. अच्छा, जो बकल होते हैं ना, उनको हम नाम देते हैं मेजियो बकल, मेजियो बकल. अच्छा, उसके बाद मिडल. अच्छा, बकल भी ठीक है ना, लेकिन ज्यादा इसमें जो प्रेफरेबल वर्ड है ना, वो लेबियल है. तो इसमें मेजियो लेबल, ठीक है ना, मिडल लेबियल, और मिडल लेबियल को ना लेबियल भी कह देते हैं सिंपली, ठीक है ना. और इसके बाद है डिस्टो लेबियल, ठीक है ना. तो ये 3 जो डिफरेंट नाम है हमने ये इसको दे दिया. और उसके बाद जो लिंगुअल है, इसको हम लिंगुअल लोब कहते हैं. अब मैं आपको इनसाइजर दिखाता हूँ और आपको केनाइन भी दिखा देता हूँ, ताकि आप उसकी आसानी से उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकें कि लोब्स कैसे बनते हैं. देखिए जी, मैंने बताया कि एंटीरियर टीथ में 3 लोब्स होते हैं, एक होता है, और लोब को डिवाइड मैंने बताया था डेवलपमेंटल डिप्रेशन करती है, ग्रोव करती होती है, ठीक है ना. तो मैंने बताया था लेबियली 3 लोब्स होते हैं और लिंगुअली एक ही लोब होता है, ठीक है ना. तो लेबियली जो है ना, ये जो आपको यहाँ पे डिप्रेशन सी नजर आ रही है ना, आप यहाँ से अप्रिशिएट कर सकते हैं, ये डिप्रेशन नजर आ रही है. आई होप मेरा कैमरा आपको दिखा रहा होगा, बट आपने दांत पकड़ के देखें तो जब यहाँ पे आप हाथ लगाएंगे ना, तो आपको डिप्रेशन सी फील होगी. तो इसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल डिप्रेशन, ठीक है ना. अच्छा, डेवलपमेंटल डिप्रेशन होती है ना, इनको हम कहते हैं लेबियल डेवलपमेंटल डिप्रेशन, जो कि टूथ को डिवाइड करती हैं लोब्स में. अब देखें, इसमें आपको 2 लेबियल डेवलपमेंटल डिप्रेशन नजर आ रही है, एक ये वाली और एक ये वाली नजर आ रही है. अगर ये 2 हैं, तो ये टूथ को किसने कितने लोब्स में डिवाइड कर दिया? 3, 1, 2 एंड 3, उनमें ये डेवलपमेंटल डिप्रेशन पड़ी हैं. ये हैं जी डेवलपमेंटल डिप्रेशन, और ये डेवलपमेंटल डिप्रेशन दूसरी, ये 2 डेवलपमेंटल डिप्रेशन हैं, और ये डिवाइड कितने लोब्स में कर रही है इनको? 1, 2 और 3. नाम किस तरह देंगे, ठीक है ना. ये मेजर सरफेस है, ठीक है ना, और ये लेटरल सरफेस है. तो ये सॉरी, लेटरल कह रहा हूँ, डिस्टल सरफेस है. मीजियो, अच्छा ये क्योंकि मेजर की तरफ है, तो ये मीजियो. अच्छा, ये क्योंकि मेजर सरफेस की तरफ है ना, और ऊपर से ये क्या लेबियल सरफेस, तो मीजियो सॉरी मीजियो लेबियल लोब. और ये कौन सा हो गया आपका? मिडल लेबियल लोब, और ये डिस्टो लेबियल लोब. तो 3 लोब हो गए किसमें? लेबियल सरफेस पे 3 लोब हो गए. उसको बनाया लोब्स को बनाया किसने? डेवलपमेंटल डिप्रेशन ने बनाया, जो कि लेबियल सरफेस पे ही होते हैं. अब जो आपका होता है ना लिंगुअल सरफेस पे, सिर्फ एक ही लोब होता है, वो होता है सिंगुलम, ठीक है ना, जो कि सर्वाइकल एरिया में होता है. ये जो आपको लोब नजर आ रहा है ना एक, ठीक है ना, एलिवेटेड साइज को हम कहते हैं सिंगुलम, और यही आपका लोब बनाता है. बाकी ये जो मिडल 1/3 में और इनसाइजर 1/3 में ये जो आपको डिप्रेशन नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं लिंगुअल फोसा, ठीक है ना. तो ये पूरा सारा लेबियल सॉरी लिंगुअल लोब में आता है. जो इंटीरियर होते हैं, उनमें क्या होता है कि डेवलपमेंटल डिप्रेशन डिवाइड करती है इनको डिस्टो लेबियल, मिडल लेबियल और मेजियो लेबियल में 3 लोब में डिवाइड करती है. तो 1, 2, 3 और 4, 4 लोब्स हो गए इसके. सेम लाइक आपका लेटरल साइजर, उसमें भी जो है ना, 2 आपको डेवलपमेंटल डिप्रेशन नजर आएंगे, ठीक है ना, और 3 आपको लोब नजर आएंगे लेबियल पे, और 1 लिंगुअल नजर आएगा. और जो आपका कैनाइन होता है ना, उसमें भी सेम केस है. ये देखें आपको, तो ये एक रिज नजर आ रही है, ठीक है ना. अच्छा, उसके अलावा इसमें भी 3 लोब्स होते हैं बेसिकली. एक तो ये है कि यहाँ पे इसमें भी, अगर मैं लेटरल दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे आपको डिप्रेशन है, जहाँ पे आपको डार्कनेस ज्यादा नजर आए, इट मीन ये डिप्रेशन है, ठीक है ना. तो ये जो डिप्रेशन है बेसिकली, ये एक ये डिप्रेशन है और एक ये डिप्रेशन है. तो इसमें एक ये वाला लोब बन जाएगा, एक ये वाला लोब बन जाएगा, और एक ये वाला लोब, 1, 2 एंड 3.
और ये एक लिंगुअल सर्फेस पे चौथा, फोर लोब्स हो गए टोटल इसके भी, तो इसको भी नाम ऐसे ही दे देंगे। अगर तो ये डिस्टल सर्फेस है और ये मीजियल है, तो ये मीजियो लेबियल, मिडल लेबियल और ये डिस्टो लेबियल होगी, ठीक है ना। और ये लिंगुअल लोब हो गया, तो चार लोब्स हो गए। इसको डिवाइड जो कर रहे हैं ना, वो डिप्रेशन या डेवलपमेंटल डिप्रेशन या ग्रोव्स डिवाइड करती होती है लोब्स को, या लोब्स को बनाती हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, ये तो थे इंटीरियर टीथ ना। अब इसके बाद अच्छा एक चीज ये बतानी रह गई थी, जो आपके इंसाइजर होते हैं उनमें आपको इम्ब्रिकेशन लाइंस भी नजर आती हैं, बेसिकली जो आपका सर्वाइकल वन थर्ड है ना लेबियल सरफेस पे, यहाँ पे अगर आप हाथ लगाएंगे ना टूथ में, तो आपको इस तरह से डिप्रेशन और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो नजर आती है ना, उनको हम कहते हैं इम्ब्रिकेशन लाइंस, ठीक है। इसके बाद है जी लोब्स ऑफ पोस्टीरियर टीथ। पोस्टीरियर टीथ में सबसे पहले हम देखेंगे प्री मोलर्स को, ठीक है ना। प्री मोलर्स में जनरली दो लोब्स होते हैं, कितने लोब्स होते हैं प्री मोलर्स में? अच्छा ये तो हो गया ना इंटीरियर टीथ, अब आ गया आपके पोस्टीरियर टीथ। पोस्टीरियर टीथ में सबसे पहले हम देखेंगे किसको? प्री मोलर्स को, प्री मोलर्स। इसमें इसको हम दो में डिवाइड करेंगे, जो जनरल है ना, जनरल कमरा, जनरल से मतलब ये है उनमें आपको फोर लोब्स नजर आते हैं, कितने? फोर लोब्स, ठीक है ना। इसमें भी है ना थ्री आपको बकल नजर आएंगे और वन आपको लिंगुअल नजर आएंगे ऐसे। इसके बाद एक एक्सेप्शन आती है, वो एक्सेप्शन क्या है कि जो मैंडिबुलर फर्स्ट मैंडिबुलर मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर होता है ना, उसमें आपको फाइव लोब्स मिलेंगे, कितने? फाइव लोब्स। अब उन फाइव लोब्स में ना आपको थ्री नॉर्मली, जैसे पहले उसमें थ्री बकल और दो उसमें कौन से नजर आएंगे आपको? लिंगुअल नजर आएंगे, ठीक हो गया। अच्छा ये अब मैं बता देता हूँ आपको मोलर्स, प्री मोलर्स दिखा के ही बता देता हूँ कि कैसे है ये सीन। ओके जी, एक ये एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लें कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक मैक्सिलरी प्री मोलर है, ठीक है ना। तो ये देखें, अच्छा ये एक डिप्रेशन नजर आ रहा है आपको, यहाँ से लेटरल देखें ये डिप्रेशन, और इधर से लेटरल देखें तो ये डिप्रेशन है, ठीक है ना। इट मीन एक ये डिप्रेशन है डेवलपमेंटल डिप्रेशन, और एक ये डेवलपमेंट डिप्रेशन, दो डिप्रेशन कितने में डिवाइड करें? तीन लोब्स में, वन टू एंड थ्री, ठीक हो गया। वन टू एंड थ्री, उन दोनों के सामने दो डेवलपमेंटल डिप्रेशन हैं, तो इसको ये मेजर सरफेस है और ये लेटरल सरफेस है। तो मीजियो लेबियल, या सॉरी क्योंकि पोस्टीरियर टीथ में बकल ज्यादा वर्ड यूज करते हैं ना हम बाहर वाली सरफेस के लिए, फेशियल सरफेस के लिए, तो मीजियो बकल, मिडल बकल और डिस्टो बकल, ठीक है ना। बाकी मैंने नॉर्मली बताया था, इसमें जो फोर्थ लोब होता है वो लिंगुअल लोब ही कहते हैं इसको, ठीक है ना। चार लोब्स होते हैं, ठीक है ऐसे। अब जो आपका ये तो था ना आपका मैक्सिलरी, सॉरी ये था मैक्सिलरी, ठीक है ना। इसके बाद जो फर्स्ट प्रीमोलर हो चाहे सेकंड प्रीमोलर हो, उनके नाम यही रहेंगे, और मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर है ना मैंडिबुलर, उसके नाम भी ऐसे ही होंगे, यानी उसमें थ्री बक्कल होंगे और एक लिंगुअल होगा। लेकिन जो सेकंड प्रीमोलर होता है ना, उसमें ये केस नहीं होता, सॉरी सेकंड प्रीमोलर ये है जी, सेकंड प्रीमोलर, उसमें ना फाइव लोब्स होते हैं। अब देखिए, एक ये डेवलपमेंटल डिप्रेशन, एक ये वाला, एक ये वाला डेवलपमेंटल डिप्रेशन है और एक ये वाला है, तो इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करें, एक दो तीन। अगर ये मीजियो, मीजियो बकल, मिडल बकल और ये डिस्टो बकल, क्योंकि डिस्टल सरफेस पे है। अब देखें, मैंने बताया था जब ग्रूव मार्जिनल रिज से बाहर आ जाती है, तो इट मींस ये एक नया लूप बना रही है, लोब बना रही है, तो ये यहाँ से ग्रूव निकली है और ये बाहर आ रही है, ठीक है ना। अगर आपके पास टूथ पड़ा ना, तो उसमें देख लीजिए, आपको वाजे नजर आएगा, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा कैमरा आपको दिखा सके, ठीक है ना। तो ये ग्रूव जब बाहर को निकलती है ना, तो ये लोब्स में डिवाइड कर देगा। आप कंफ्यूज इनमें हो ना, बाकी जो प्रीमोलर्स होते हैं ना उनमें ग्रूव अंदर तक ही है, ये देखिए अंदर ही रह गई है, ठीक है ना। अगर ये बाहर आ जाती है ना, तो इट मीन ये एक सेपरेट लोब बना देती है। तो ये जो ग्रुप ग्रुप नजर आ रही है ना आपको, ये वाली ग्रुप, तो ये इसको डिवाइड कर रही है, ठीक है ना। बेसिकली इस ग्रुप को हम कहते हैं लिंगुअल ग्रुप। क्यों लिंगुअल ग्रुप कहते हैं? क्योंकि ये लिंगुअल सरफेस पे है, तो इसको हम कहते हैं लिंगुअल ग्रुप। तो लिंगुअल ग्रुप जो है ना, जो आपका ये लिंगुअल साइड पे जो लोब्स, उनको दो में डिवाइड करती है, कौन कौन से? एक ऑब्वियस सी बात है मीजियो लिंगुअल और एक डिस्टो लिंगुअल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दो में डिवाइड करें तो एक मीजियो लिंगुअल और एक डिस्टो लिंगुअल बन जाएंगे। तो ये थे जी आपके प्री मोलर्स के लोब्स। अब आ जाते हैं हम लोग मोलर्स के लोब, मोलर्स के लोब। इसमें भी जो है ना दो केस हैं, एक जो है ना आपके पास सिंपल या जो जनरल होते हैं ना वो हैं, ठीक है ना। उनमें मोलर्स में आपको फोर लोब्स नजर आएंगे, कितने? फोर लोब्स। और उन फोर लोब्स में आपको दो बक्कल नजर आएंगे, जिसमें मीजियो बक्कल और डिस्टो बक्कल, और दो आपको लिंगुअल नजर आएंगे, जिसमें एक मीजियो लिंगुअल और एक डिस्टो लिंगुअल लोब होंगे। जो एक्सेप्शन होती है ना, वो आती है मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर के टाइम आती है, ठीक है ना। उसमें ये होता है कि आपको फाइव लोब्स नजर आते हैं, ठीक है ना। इनमें आपको फाइव लोब्स में आपको क्या होता है कि इसमें दो बक्कल होते हैं, दो
लिंगुअल होते हैं और एक डिस्टल लोब होता है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज इनमें ये है कि जो आपके इंटीरियर टीथ होती है ना, उनमें जो लेटरल और सेंटेंसाइजर, उसमें तो कोई कस्प नहीं होती, लेकिन जो आपका केनाइन होता है ना, उसमें एक कस्प होती है, ये वाली कस्प, एक एलिवेटेड सी प्रोजेक्शन होती है, उसको हम कस्प कहते हैं, ठीक है ना, एक कस्प होती है, इस वजह से हम इसको कस्पिड भी कहते हैं। जो आपके प्रीमोलर्स होते हैं उसमें दो कस्प होती है, एलिवेटेड कस्प, और फोर लोब्स होते हैं। इसी तरह आपका जो सेकंड प्रीमोलर, उसमें जो है ना दो कस्प होती है, ठीक है ना, इस तरह। लेकिन जो सेकंड प्रीमोलर ऑफ मेंडिबल है ना, सेकंड प्रीमोलर ऑफ मेंडिबल ये वाला, इसमें आपको कितनी कस्प नजर आ रही है, क्योंकि ये डिवाइड करने इसके आपको कस्प भी तीन नजर आ रही है, एक दो तीन, तीन कस्प है, और इसमें फाइव लोब्स है मेंडिबल और सेकंड प्रीमोलर में, तीन कस्प और फाइव लोब्स हैं, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सॉरी मैं कैमरे में नहीं आ रहा था। अच्छा ये चीज हो गई। इसके बाद जो आप कहते हैं मोलर्स, ठीक है ना, उनमें आपको चार कस्प नजर आती है, चार कस्प नजर आती हैं और आपको चार ही लोब्स नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरे पास मैक्सिलरी मोलर है, ठीक है ना, तो इसमें आपको ये एक डेवलपमेंटल लाइन इसको डिवाइड करती नजर आ रही है, ठीक है ना। तो सपोज मैं कहता हूँ कि ये बकल सरफेस है ना, तो ये इसकी मीजियो, ये मीजियल सरफेस है, और ये बकल सरफेस है ना, और ये मीजियल है, और ये भी इसके डिस्टल है। सपोज मैं कहता हूँ ना, ये यहाँ पे डिस्टल और ये मीजियल, और ये इसकी बकल सरफेस और ये इसकी लिंगुअल होगी, ऐसे। तो नाम मैं किस तरह दूंगा यहाँ पे, अगर ये इसको बकल ग्रूव डिवाइड कर रही है, अब क्योंकि यहाँ से एक ग्रूव निकली सेंट्रल ग्रूव से और ये बाहर आ रही है, तो इसको बकल ही डिवाइड कर रही है, तो इस ग्रूव को नाम दे देंगे, क्योंकि बकल सर्फेस की तरफ आ रही है, तो हम इसको बकल ग्रूव करेंगे। बकल ग्रूव ने इस टूथ को जो है ना दो इसमें डिवाइड कर दिया, दो लोब्स में, एक मेसियो बकल लोब और एक डिस्टो बकल लोब। इसी तरह सेम केस जो है ना, यहाँ से थोड़ा सा डिस्टली, ये डिस्टल सर्फेस है, सॉरी हाँ ये थोड़ी डिस्टल सर्फेस है। अच्छा, ये ना थोड़ा उलट हो गया, ये डिस्टल सरफेस है और ये मेजर सरफेस है, ठीक है ना, क्योंकि जो आपकी ग्रूव होती है ना डिस्टो, ये जो डिस्टो बकल ग्रूव पड़ी है ना, इसको हम कहते हैं डिस्टो लिंगुअल ग्रूव, ये वाली लिंगुअल सरफेस की तरफ है, ये डिस्टो लिंगुअल जो ग्रूव है ना इसको, अच्छा इसको हम लिंगुअल ग्रूव भी कह सकते हैं, क्योंकि लिंगुअल की तरफ जा रही है, लेकिन ये जा कहाँ से रही है, थोड़ी सी ना इंक्लाइन होकर जा रही है लिंगुअल की तरफ, यहाँ से जा रही है, यानी डिस्टल के साथ होकर जा रही है, इसको हम कहते हैं डिस्टो लिंगुअल। खैर इसमें भी दो लोब्स हो जाते हैं, एक छोटा लोब हो जाता है और एक बड़ा लोब हो जाता है, ये कौन सा है, ये जी आपका है मेसियो लिंगुअल, और ये जो जो मेसियो लिंगुअल है वो बड़ा है, और जो डिस्टो लिंगुअल है ना वो छोटा है, यानी डिस्टो लिंगुअल छोटा है, ठीक हो गया। तो इसमें भी जो है ना आपको फोर लोब्स नजर आ जाते हैं। इसी तरह आपका जो मैंडिबुलर जो मैक्सिलरी सेकंड मोलर होगा उसमें भी सेम केस होगा, और जो मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर होगा ना उसमें भी फोर लोब्स, फोर कस्प, और दो उसमें लिंगुअल कस्प होंगे और दो आपके डिस्टल, सॉरी दो उसमें लिंगुअल और दो बकल होंगी। जो मैंडिबुलर फर्स्ट जो मोलर होता है ना उसमें आपको फोर नजर आती है। अच्छा इसको ये जी आपका मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर पड़ा है, ये इसकी मीजियल, ये इस तरह है, तो ये इसकी बकल सरफेस है, ये इसकी बकल सरफेस है, ये इसकी लिंगुअल है, और ये इसकी मीजियल है, और ये इसकी डिस्टल सरफेस है, ठीक है ना। तो ये आपको नजर आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें तो एक तो ये कि ये जा रही है कौन सी ग्रूव, यहाँ से सेंट्रल ग्रूव से निकल रही है, ये कौन सी ग्रूव जा रही है, ये है जी आपकी बकल, क्योंकि बकल सरफेस की तरफ जा रही है, ये जा रही है लिंगल की तरफ, तो ये लिंगल ग्रूव, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली अगर तो ये बकल की तरफ जा रही है तो ये मेजर सरफेस है, ठीक है ना, तो ये मीजियो बकल लोब, ठीक है ना, और ये वाली कौन सा हो जाएगा, डिस्टो बकल लोब, और ये वाली अगर ये लिंगुअल ग्रूव है तो ये लोब कौन सा बन जाए, मीजियो लिंगुअल लोब, और ये मीजियो डिस्टल सॉरी डिस्टो लिंगुअल लोब। ये जो बचती है ना, यहाँ से एक ग्रूव निकल रही है ना, ये डिवाइड कर रही है बेसिकली, और इधर से एक निकल रही है, ये डिवाइड करके, क्योंकि ये डिस्टल सर्फेस की तरफ है, तो इसको हम कह देते हैं डिस्टल लोब, और इसको डिस्टल कस्प भी कह सकते हैं। अब जो आपके मैंडिबुलर, जो आपके नॉर्मल मैंडिबल्स होते, सॉरी मोलर्स होते हैं, उनमें फोर कस्प होते हैं और फोर लोब्स होते हैं, ऐसे। लेकिन जो आपका फर्स्ट फर्स्ट मोलर होता है ना, मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर, उसमें ये होता है कि फाइव लोब्स, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, फाइव लोब्स होते हैं और उसमें फाइव ही कस्प होते हैं, कौन कौन सी, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। तो ये थे लोब्स, लोब्स को हमने स्टडी कर लिया।